गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 3 स्टार्ट करी थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट। उसमें हमने अब तक करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है और वर्क क्या होता है, इन क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने इसमें थोड़ा सा और स्टडी भी करी थी रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एक बेसिक आइडिया दिया था। फिर उस रेजिस्टेंस को किस तरह से सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, उसके क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस के बारे में है कि रेजिस्टेंस का सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या है। सेकंड, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम, और थर्ड हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में, और फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में क्या एनालॉजीज़ हैं, मतलब क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है करंट के फ्लो होने को जो अपोज करता है, मतलब जो प्रॉपर्टी करंट के फ्लो होने को अपोज करती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसे मेज़र किया जाता है ओम्स में, राइट। तो और इसका सिंबल इस तरह से बना होता है जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये वाला सिंबल, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और इसकी जो मेज़र किया जाता है इसकी यूनिट है ओम में होती है। अब बात कर रहे हैं हम सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट की। तो देखिए सीरीज़ सर्किट क्या होता है, सीरीज़ सर्किट यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे एक रेजिस्टेंस पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब जैसे इसका लास्ट पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से, इसका लास्ट पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से, इसका फर्स्ट पॉइंट इसके जो इसका लास्ट पॉइंट है इसके फर्स्ट पॉइंट से, तो मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो वो होता है हमारा सीरीज़ कनेक्शन। इसमें क्या होगा कि करंट जो है वो सभी कंपोनेंट से सेम फ्लो होगी, मतलब जैसे R1 है, R2 है, R3, तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, तो तीनों से करंट जो है ना वो एक ही फ्लो होगी, मतलब सेम अमाउंट की करंट फ्लो होगी। ऐसा नहीं है कि R1 से अलग हो, R2 से अलग हो, R3 से अलग हो, तो सेम अमाउंट की करंट ही फ्लो होगी सारे रेजिस्टेंस में से। बट जो वोल्टेज है वो हर कंपोनेंट से अलग अलग होगा, राइट। जैसे R1 का वोल्टेज V1 मान लिया हमने, R2 का V2, R3 का V3 मान लिया, तो इस सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होगा ना वो सम होगा वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V टोटल, राइट। तो सीरीज सर्किट वो होता है जहाँ पे करंट इक्वल होती है, राइट। सभी कंपोनेंट से करंट इक्वल ही फ्लो होती है, मतलब एक ही करंट फ्लो होती है। और पैरेलल सर्किट इसके जस्ट अपोजिट हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम, मतलब पैरेलल सर्किट जैसे ये कनेक्शन बना रखा है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2, ये R3, तो इनके फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट से कनेक्टेड है, लास्ट पॉइंट लास्ट से, तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। इसमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, जैसे V1 इक्वल टू V2 होगा, इक्वल टू अप टू VN होगा, पर जो टोटल करंट है, मतलब करंट हर कंपोनेंट से इक्वल नहीं होगी। तो आप यहाँ पे एक दिस सिमिलरिटीज देख सकते हैं कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट हर कंपोनेंट की इक्वल होती है, और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हर कंपोनेंट का इक्वल होता है। तो सीरीज सर्किट में हमने टोटल वोल्टेज निकालते हैं सर्किट का, कि सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट, और इसमें क्या निकालते हैं हम, टोटल करंट, तो वो क्या होगी, सम ऑफ करंट थ्रू ईच कंपोनेंट, राइट। तो ये सीरीज और पैरेलल सर्किट है। अब हम इनकी और डिसिमिलरिटीज के बारे में बात करें, तो यही है कि जैसे सीरीज सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट एक ही करंट फ्लो होती है, मतलब एक ही पाथ होता है करंट का, राइट। क्योंकि एक सीरीज सर्किट बन रहा है, एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो एक ही पाथ हुआ, है ना। और पैरेलल सर्किट में क्या होगा, मल्टीपल पाथ होंगे करंट के, मतलब एक पाथ नहीं है, क्योंकि हर कंपोनेंट से अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, तो एक पाथ नहीं रहा, मल्टीपल पाथ हो गए, ठीक है। तो सीरीज सर्किट में सिर्फ एक पाथ है करंट का, और पैरेलल सर्किट में देर आर मल्टीपल पाथ फॉर करंट फ्लो। और फिर जब मल्टीपल पाथ्स होंगे, मतलब बहुत सारे पाथ्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं करंट फ्लो होने के, तो वहाँ पे फिर हमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, और क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना सीरीज सर्किट का, वो हमेशा ज़्यादा होता है पैरेलल सर्किट के रेजिस्टेंस से, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज सर्किट में तो क्या है कि डायरेक्टली आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे R टोटल बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, सीधा सा हमने जोड़ कर दिया। और पैरेलल सर्किट में आप देखिए 1/4 पहले ही करना पड़ेगा, हर एक का रेसिप्रोकल, मतलब 1/4 करना पड़ेगा। तो जैसे 1 कहाँ गया, सॉरी
हाँ ये रहा, वन अपॉन आर टोटल बराबर से वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री अप टू प्लस वन अपॉन आर एन। तो इनका जब हम सम करेंगे फिर उसके बाद आर टोटल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ना इससे कम आएगी सीरीज सर्किट वाले से। चाहे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे क्या हो गया हमारा, मान लीजिए कि जैसे पहला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, दूसरा 2 का है, तीसरा 3 का है, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो सीरीज सर्किट में तो क्या हो गया 6 ओम हो गया। और अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो 1 पहला रेजिस्टेंस 1 ओम का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 ओम का है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 से इसकी वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट का जो रेजिस्टेंस है मतलब ये हमेशा ज़्यादा होता है पैरेलल सर्किट के रेजिस्टेंस से, राइट। और क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट इक्वल है तो इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया वी टोटल बराबर से वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज इक्वल है तो हमने लिख दिया आई टोटल बराबर से आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। क्योंकि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट का एक ही बात है और वहाँ पे एक ही करंट फ्लो होती है, और तो सिर्फ वोल्टेज अलग अलग होता है हर कंपोनेंट का। तो हम वहाँ पे वी टोटल फाइंड करेंगे हर एक कंपोनेंट का वोल्टेज निकाल के उसका सम करके। और पैरेलल सर्किट में क्या है कि वोल्टेज इक्वल होता है और करंट हर कंपोनेंट की अलग अलग होती है, तो हम वहाँ पे आई टोटल फाइंड करेंगे, क्लियर। तो ये थे हमारे सीरीज और पैरेलल सर्किट। अब इस एडवांटेजेस क्या है, पैरेलल सर्किट की क्या एडवांटेज है? देखिए पैरेलल सर्किट की दो बहुत बड़ी एडवांटेज हैं सीरीज सर्किट के कंपैरिजन में। क्या है, एक तो ये है कि जो पैरेलल सर्किट में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है हर डिवाइस जो है वो फुल बैटरी वोल्टेज लेती है, राइट। ऐसा नहीं है कि डिवाइड हो गया, क्योंकि वोल्टेज इक्वल होता है हर एक कंपोनेंट का, तो हर डिवाइस जो है वो फुल बैटरी वोल्टेज लेगी, मतलब पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है ना, 100% एफिशिएंसी दे रही है। और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जैसे मान लो कि है ना किसी सर्किट को अगर हमें टर्न ऑफ करना है ना, मतलब किसी एक डिवाइस को टर्न ऑफ करना है सर्किट में से, मतलब एक रेजिस्टेंस हटाना है हमें या उसके अक्रॉस सप्लाई ऑफ करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी की पूरी सर्किट की सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी, तो वो नीड नहीं होती क्योंकि पैरेलल ही पाथ है करंट के, तो किसी भी डिवाइस को हम पूरे सर्किट को डिस्टर्ब किए बिना हम उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बिग एडवांटेज है पैरेलल सर्किट की एज़ कम्पेयर टू सीरीज सर्किट। सीरीज़ में क्या होगा, अगर सारी सीरीज़ में कनेक्ट है हमें अगर एक डिवाइस को ऑफ करना है तो वो पूरा सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये पैरेलल सर्किट की बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज सर्किट। तो आज अब हमने पढ़ लिया सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। अब क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमने बताया था ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो ओम्स लॉ क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए ओम्स लॉ क्या है, ये एक मतलब साइंटिस्ट थे जर्मन जिनका नाम था सीमंस था, उनके नाम पर ये ओम्स लॉ बना, उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था इस ओम्स लॉ को। तो ये ओम्स लॉ है क्या, इसका मतलब होता है कि जो वोल्टेज है किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस सर्किट की करंट के। मतलब हम जैसे वोल्टेज को क्या कहते हैं वी, करंट को क्या कहते हैं आई, तो हम कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये है ओम्स लॉ, तो वी बराबर से आई आर, राइट। तो आई बराबर से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी डिवाइडेड बाय आर, या फिर हम आर लिख सकते हैं, आर बराबर से वी अपॉन आई। एक्चुअली जो ओम्स लॉ है ना ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, कैसे मेजर करता है कि वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एक मैजिक ट्रायंगल है ओम्स लॉ का, जैसे ये ट्रायंगल में हमने 3 क्वांटिटी लिख दी वी आई आर, आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं 3 क्वांटिटी है वी आई आर। तो हम कहते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई जो है ना वो एक्चुअली वी ही है, ई मतलब वोल्टेज और वी मतलब ही वोल्टेज, तो आई बराबर से क्या है आपका वी बाय आर। जैसे हमने कहा अभी कि ओम्स लॉ क्या है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो V बराबर से आई आर लिख रहे हैं हम, तो I क्या हो गया यहाँ पे E बाय R, या फिर R बराबर से क्या हो गया E अपॉन I। अब मैजिक क्यों कह रहे हैं हम इस ट्रायंगल को, देखिए मैजिक कहने का जो रीज़न है वो ये है कि अगर हमें जैसे यहाँ पर देखो कि कोई भी अगर 2 क्वांटिटी पता है तो हम तीसरी इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो जैसे यहाँ पे है ना, अभी आपको एक मैजिक ट्रायंगल दिखा रही हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला है, इसमें देखो अगर हमें R नहीं पता
ई और आई पता है, तो आर बराबर से क्या हो गया, ई अपॉन आई, मतलब इफ यू नो ई एंड आई देन यू यू विश टू डिटरमाइन आर, मतलब क्या है, दो चीज़ें पता है तो तीसरी हम इजिली फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके, ई अपॉन आई तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखो जैसे अब हमें ई नहीं पता, आई और आर पता है, तो क्या हो जाएगा ई बराबर से आई आर, और तीसरा जैसे मान लो हमें आई नहीं पता, ई और आर पता है, तो आई बराबर से क्या कर देंगे ई अपॉन आर। तो इस तरह से हम अगर हमें दो चीज़ें मालूम है तो तीसरी चीज़ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी दो चीज़ें नोन होनी चाहिए तो तीसरी अननोन वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही इसका मैजिक ट्रायंगल था। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना, तो इसका एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक बैटरी है और ये एक लैंप लग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन दिखा रखी है माइनस टू प्लस, और जो करंट है वो कैसे फ्लो होती है प्लस टू माइनस, ठीक है। अब हम अगर इसका न्यूमेरिकल सोल्व करें, जैसे मान लो ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, ठीक है, और ये जो लैंप लग रहा है सर्किट में इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो वो करंट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। करंट क्या होगी आपकी ई अपॉन आर, तो 12/3 कितना हो गया 6, तो देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6 एम्पियर, ठीक है। अब जैसे मान लो ई और आई पता है आपको, इस दूसरे सर्किट में 36 वोल्ट की बैटरी है और करंट 4 एम्पियर की, तो रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आर बराबर से ई अपॉन आई, तो 36/4 कितना होता है 9, तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 9 ओम, राइट। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से, मतलब कोई भी दो अननोन वैल्यू तो हम तीसरी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम पढ़ेंगे ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं MMF, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था, एक्चुअली ये क्या है, मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं हम। पहले अभी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या देखा था, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहे थे जिसको हम EMF, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट थी उसका एग्जिस्टेंस ही EMF की वजह से था, कि अगर EMF है सर्किट में तो इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो अगर वो था इलेक्ट्रिक सर्किट की बात। अगर हम अब मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो यहाँ पे करंट की जगह क्या कहेंगे हम, फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसकी वजह से, MMF की वजह से। वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एग्जिस्टेंस किसकी वजह से था, EMF की वजह से, और यहाँ पे फ्लक्स का एग्जिस्टेंस है MMF की वजह से। और MMF किस वजह से होता है, करंट जो फ्लो होगी ना एक या दो से, मतलब एक या एक से ज़्यादा टर्न्स में से, उसकी वजह से MMF प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो MMF है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर इंटू टर्न्स में, मतलब जैसे एक टर्न से अगर करंट फ्लो हो रही है तो MMF हो गया करंट के इक्वल, अगर दो टर्न से फ्लो हो रही है तो MMF कितना होगा 2 × I, जो भी करंट फ्लो हो रही है दो टर्न से, ठीक है। तो MMF हो गया मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो होता है हमारा MMF, ठीक है। और ये डायमेंशन, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये टर्न तो एक तरह से डायमेंशन लेस ही होती है, तो इसकी जो यूनिट है वो भी क्या हो गई एम्पियर में। तो अब आप ऐसे में सोचना एम्पियर इंटू टर्न है तो टर्न की कुछ यूनिट होगी, टर्न तो एक यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए MMF की यूनिट क्या हो गई, सिर्फ एम्पियर हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ की। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं, और मतलब ये इसके और दो नाम है। तो वो होती क्या है, जैसे एम्पियर टर्न्स क्या है अपना मैग्नेट MMF है, तो MMF पर मीटर, मतलब जो जितनी भी डिस्टेंस में ये MMF क्रिएट हो रहा है, तो उस यूनिट को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर H से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय मीटर, तो 80/m, तो आप 80 को जगह एम्पियर भी लिख सकते हो, तो एम्पियर पर मीटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो होगी। और इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है मीडियम की, मतलब जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा मीडियम होना चाहिए, गैस है लिक्विड है ना, तो इस तरह से कोई मीडियम पे फर्क नहीं पड़ता एम्पियर टर्न्स का, ठीक है। तो H बराबर से हम लिख सकते हैं 80/m, और जो ये एम्पियर टर्न्स या है इसको हम दूसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं H को F/L, ठीक है।
ये भी एक फॉर्मूला है इसका। अब नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे हम ना एक लेटर होता है इसको म्यू म्यू कहते हैं, उससे इसको डिफाइन करते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए जो परमेबिलिटी होती है वो होती है आपकी बी अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एक तरह से, तो ये बी अपॉन एच हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम पढ़ चुके हैं अभी एच। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना वो परमेबिलिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके पेपर में, कि जैसे कोई वैल्यूज दे दी है तो परमेबिलिटी फाइंड कीजिए, या वो पूछेगा ये देखो फिक्स होती है वैक्यूम या एयर की जो परमेबिलिटी होती है ना वो, इसको म्यू जीरो से डिनोट करते हैं हम, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 4π × 10⁻⁷, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे परमेबिलिटी क्या होती है, तो परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच, ठीक है। तो ये हो गई हमारी परमेबिलिटी। अब नेक्स्ट जैसे इसी से रिलेटेड, अगर जैसे बी बराबर से, अब म्यू लिखा हमने बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए कह रहे हैं म्यू या एच की पता है, तो बी बराबर से म्यू एच कर दिया हमने, म्यू म्यू ही है यहाँ पे परमेबिलिटी। नॉर्मली हम लिखते हैं म्यू बराबर से म्यू आर इंटू म्यू जीरो। म्यू जीरो क्या थी यहाँ पे, एयर की या वैक्यूम की थी, और म्यू आर है कोई जैसे कोई और मीडियम दे दिया तो उसकी परमेबिलिटी हो गई। तो वो हमें मतलब जैसे किसी भी रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, तो फिर हम म्यू को लिखेंगे म्यू बराबर से म्यू आर इंटू म्यू जीरो। तो इस तरह से हम परमेबिलिटी फाइंड करते हैं। फिर एक टर्म और होती है रिलेक्टेंस और परमेंस क्या होता है, देखिए जो करंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको किससे लिमिट करते हैं हम, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अभी हमने क्या बताया था, जो करंट के फ्लो होने को अपोज करे, मतलब जो लिमिट करे, तो वो रेजिस्टेंस था इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस का काम है ना वो रिलेक्टेंस करता है। तो वहाँ पे करंट थी, यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे हम, फ्लक्स को। तो फ्लक्स को अपोज करे, मतलब फ्लक्स की वैल्यू को लिमिट करे वो कंपोनेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस कर रहा था वो यहाँ पे रिलेक्टेंस करेगा। तो ये एनालोगी अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ना, तो एनालोगी अभी आपको पता चली कि करंट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस, ठीक है। अब इस रिलेक्टेंस को हम मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, रिलेक्टेंस का होता है 1/μ (L/A), और म्यू जो है वो म्यू आर इंटू म्यू जीरो है, जैसे म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, और म्यू जीरो है जैसे क्या कहता है एयर या फिर वैक्यूम की। तो ये इस तरह से हमने रिलेक्टेंस फाइंड कर लिया। अब रिलेक्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम जी है ये, उसे मतलब परमेंस है उससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता था, मो MHO। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा जीटा, ठीक है। अब मैग्नेटिक सर्किट में हम इसके एनालॉगी की बात करते हैं, ये तो सब चीज़ें हमें पता चल गई हैं, फॉर्मूलेज हैं वो आप देख सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, कि एनालॉगी बताइए क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में, मतलब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम करंट कर रही हो, मैग्नेटिक सर्किट में करंट का काम कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए ये चार हैं यहाँ पे सिमिलरिटीज़ या एनालॉगी कह दें हम। एक तो ये है पहला, EMF इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो मैग्नेटिक सर्किट में MMF कहलाता है, राइट। यहाँ पे इसे E से शो करते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में F से। अच्छा, दूसरा जैसे इसकी EMF की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और MMF की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टन, अभी हमने देखा था, ठीक है। एम्पियर भी लिख सकते हैं आप इसको अगर टन ना लिखना चाहें तो। दूसरा करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का रोल है वो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे फाई से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट करंट की यूनिट एम्पियर में होती है, और फ्लक्स की यूनिट वेबर में होती है, तो इसे WB से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट तीसरा, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का जो रोल है वो मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस का है, तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे म्यू मतलब ओम, ओम से डिनोट करते हैं इसे, और रेजिस्टेंस होता है 1R बराबर से ρ L/A। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो 1/σ जो लिखा है ना, एक्चुअली ये है
रो रेजिस्टिविटी। तो आर का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा ट्वेल्थ में या फिजिक्स, जिसने भी पढ़ा है। तो आर बराबर से रो एल अपॉन ए, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ और ए मतलब एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे रो ना लिख करके हमने कंडक्टिविटी से शो कर दिया, वन अपॉन सिग्मा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो सीमेंस पर मीटर में होती है, तो एस अपॉन एम लिख सकते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस का रोल है वो रिलेक्टेंस का हुआ, तो रिलेक्टेंस में अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर बराबर से क्या लिखते हैं, थोड़ा सा आर लिखने में चेंजेस है। देखिए रिलेक्टेंस में आर एक्स लिख देना, अगर आपको आर आर अगर कॉमन लग रहा है तो रेजिस्टेंस में आर ही रहने देना और मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस को आर एक्स कर देना, ठीक है। तो फिर आर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन म्यू आर म्यू जीरो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। फिर यहाँ पर वन अपॉन म्यू आर म्यू जीरो, म्यू आर इंटू म्यू जीरो क्या है आपका म्यू, जो कि परमेबिलिटी थी, ठीक है। तो परमेबिलिटी की यूनिट यहाँ पे होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हमारी एनालॉगीज थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, ये थर्ड यूनिट। अब आपकी सिलेबस की एक ही यूनिट बची है फोर्थ यूनिट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने वोल्टेज पढ़ा था, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, फिर उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे ये पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था करंट क्या होती है, और क्या पढ़ा हमने, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है। फिर आज के टॉपिक में हमने पढ़ा रेजिस्टेंस और उनके कॉम्बिनेशन सर्किट, सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट की क्या एडवांटेज है, सीरीज सर्किट क्या एडवांटेज है, तो ये एडवांटेजेस पढ़ी। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा, और फिर हमने मैग्नेटिक सर्किट्स में MMF क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेक्टेंस क्या होता है, ये पढ़ा हमने। फिर इन जो सर्किट की जो एनालॉगीज हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपका, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड है। मैं MMF और ये EMF फाइंड करना और परमेबिलिटी फाइंड करना, कंडक्टिविटी फाइंड करना, तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए और फिर आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना, ये म्यू आर इंटू म्यू जीरो बराबर से म्यू होता है, तो म्यू जीरो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 4.10^-7, क्लियर। तो आज ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो और इसके नोट्स बना लो इसमें से देख करके। थैंक यू।